अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे सूखे कोफ्ते, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रोस्टेड चना, 1 स्मॉल कप कोरिएंडर लीव्स, कोथिमीर, 3 से 4 ग्रीन चिल्ली, हरे मिर्च 3 से 4, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम खीमा। अब हम ग्रेन कर लेंगे रोस्टेड चना, कोथिमीर, हरे मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का मसाला, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, नमक डाल के अच्छे से ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे खीमा। अब अच्छे से मिक्स करके देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को ऑलरेडी 5 मिनट स्लो फ्लेम में कुक कर लिया था। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम कोफ्ते। इसको लो फ्लेम में 5 to 6 मिनट कुक कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखा है। इसको मैक्सिमम 5 to 6 मिनट लो फ्लेम में कुक करने से कंप्लीटली कुक हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए ये कंप्लीटली कुक हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल कितना नीट एंड क्लीन भी है। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, ये इजी और सिंपल है, ये टेस्टी भी रहता है। आप इसको दाल चावल के जोड़ इजीली एंजॉय करके खा सकते हो। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।